अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स जब प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू सम फोर्स, इट हैज़ सम प्रिंसिपल, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि फोर्स जो है चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है और इसकी क्वांटिटी भी होती है, और फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। जिस तरह के हमें इस गिवन फिगर में एक स्पैनर नज़र आ रहा है, ए फिगर में हमें ये देख रहे हैं कि फ़ोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और इस डायरेक्शन में जो फ़ोर्स आ रही है वो इस तरफ को मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। जिस तरह से ये भी आपको एरो में नज़र आ रहा है कि इस तरफ को ये स्पैनर को घुमा रही है, ये जो डायरेक्शन है फोर्स की वो है इस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि स्पैनर नंबर टू में जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और हमारे स्पैनर को इस तरफ मूव करा रही है, और ये एरो में भी शो किया गया है कि फोर्स की डायरेक्शन यूँ है। ये जो डायरेक्शन होती है बेसिकली ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दो डिफरेंट तरह के मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से ये नीचे एक समझने के लिए एग्जांपल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सीसॉ है और सीसॉ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं। अब इस सीसॉ पर जो दोनों बच्चे हैं उनमें से डेफिनेटली एक जो है एट अ टाइम नीचे मूव करेगा और दूसरा ऊपर मूव करेगा, और अगर दोनों साइड्स पे जो मोमेंट होंगे वो सेम होंगे तो फिर ये सीसॉ स्टिल रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अब इसको किस तरह से समझना और डिफ़ाइन किया गया, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की, जो कि इस पिंक वाले बॉक्स में यहाँ पर हमें गिवन है, इसमें यहाँ पर गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। एक बॉडी सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बैलेंस होती है जब क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इस सीसो वाली एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि अगर ये दोनों साइड पर इक्वल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इक्वल मोमेंट का प्रोड्यूस होगा कि दोनों का वेट जो है वो एक्टिंग डाउनवर्ड, और यहाँ से यहाँ तक का जो इनका सेंटर से डिस्टेंस है वो भी हमारा सेम होगा, तो दो तरह के जो मोमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। अगर इक्वली होंगे दोनों ऑपोजिट मोमेंट्स तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे और सीसो में मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन ऊपर वाले केस में हम ये देख रहे हैं कि मोमेंट्स जो हैं वो दोनों साइड पर डिफरेंट हैं। जो इस तरफ वाला बच्चा है इसकी मोमेंट और है और इसकी और है, जिसकी वजह से सीसो ऊपर और नीचे मूव करेगा। इस बात को अब हम मज़ीद समझ लेते हैं इस ऊपर वाले गिवन पैराग्राफ में। इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा गया है मोमेंट्स के बारे में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में उसने बताया है अ फोर्स, एक फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट। एक ऐसी फोर्स जो कि स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराती है वो इसको ज़्यादातर टाइट करने के लिए यूज़ की जाती है। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। इस तरह से जो हमारे पास मोमेंट या फिर फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क या फिर क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू लूजन अ नट, एक नट को खोलने के लिए द फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स को इस तरह से लगाया जाता है सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि ये नट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराती है। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इस तरह से जो हमारा मोमेंट या फिर टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से उसे हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे। इसके नीचे वाले पैराग्राफ में आएँ, अब इसके नीचे पैराग्राफ में जो बात है वो हम समझ लेते हैं। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डजंट रोटेट इफ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। एक जो हमारे पास सीसो है वो सिर्फ उस वक्त बैलेंस होता है अगर उस पर एक्ट करती हुई तमाम मोमेंट्स जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं वो सेम हों। अगर तो सेम ना हो फिर तो मोमेंट प्रोड्यूस
जो है वो होगी, अगर सेम होंगे तो फिर मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, नीचे गिवन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब याद क्या करना है हमने इसमें, इसमें हमने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, और ये जो स्पैनर वाला है यहाँ पे एग्जांपल, स्पैनर वाले एग्जांपल को हमने देखना है कि वो क्या है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर है 4.4। एग्जांपल नंबर 4.4 के सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। पहले स्टेटमेंट समझेंगे फिर डायग्राम समझेंगे। अ मीटर रॉड इज़ सपोर्टेड एट मिडल पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। एक मीटर रॉड जो है उसको मिडल पॉइंट ओ पर सपोर्ट किया गया है। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज़ सस्पेंडेड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जो वेट लटका हुआ है वो 10 न्यूटन उसका वेट है, और ये याद रखना है कि वेट इज़ ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट बी 40 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ओ, और जो बी पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर्स ओ पॉइंट से अवे है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, आपने ब्लॉक का वेट फाइंड करना है दैट बैलेंसेस इट, जो कि बैलेंस कर रहा है इसको एट पॉइंट ए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, और इस वक्त जो है ये मीटर रूल बिल्कुल सीधा बैलेंस है। दोनों साइड पे जो मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस है। अब हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये हमारा ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से हमारा पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर, और ओ पॉइंट से जो ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। जो वेट ये वाला है इसकी वैल्यू हमें 10 न्यूटन गिवन है, और जो हमारा दूसरा पॉइंट ए पे जो वेट है उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, जिसको हम लोगों ने W1 भी कहा हुआ है, ये हमने फाइंड करनी है, गिवन डेटा है। फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो फोर्स जो होती है दैट इज़ इक्वल टू वेट, और मोमेंट आर्म जो है वो हम लोग ले लेते हैं, यानी दोनों साइड पर प्रोड्यूस तो टॉर्क ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है उसे हमने डब्ल्यू उसे शो कर दिया, जो कि वेट को शो कर रही है, और जो यहाँ पर मोमेंट आर्म है वो ओ ए और ओ बी से शो हो रहा है। तो हम लोग ओ ए जहाँ पर वेट लटका हुआ है हम लोग उसको कर लेते हैं जी W1 मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, और दैट इज़ इक्वल टू द एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट आ जाएगी, वो हमारे पास W2 इंटू ओ बी आ गया। ये हमारा क्लॉकवाइज और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। वैल्यूज पुट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा, इसको काइंडली आप लोग फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इज सच अ पॉइंट, वो एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move, जहाँ पे force apply की जाए अगर और system जो है वो move करे, किस तरह, without rotation, बग़ैर rotation produce किए हुए, बिल्कुल सीधा सीधा। अब इसकी एक example यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक body है A और B, उस body का ये वाला O जो है वो central point है। अब अगर ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसे हम कहें कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस पॉइंट पर अगर हम यूं फोर्स लगा के इसको खींचें तो ये बॉडी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मूव करेगी। अगर पॉइंट ओ की तरफ हम लोग फोर्स लगाकर इसको खींचें तो ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी, स्ट्रेट मूव करेगी। इसमें ना तो कोई टर्न प्रोड्यूस होगा, ना ही कोई आगे पीछे ये हिलेगी, बिल्कुल सीधा सीधा मूव कर रही होगी। ये होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव्स एज इफ द इंटायर मास इज़ कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। अब चूंकि जो बॉडी होती है, जो मास होता है, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स, तो जो मास का सेंटर होता है वो सिर्फ एक ख़ास पॉइंट के ऊपर कन्फाइन किया हुआ होता है, ठीक है। वो एक ख़ास पॉइंट के ऊपर ही सारा का सारा मास एक्ट कर रहा होता है, और अगर हम उस ख़ास पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं तो बॉडी को जब हम मूव कराते हैं तो वो रोटेशन किए बगैर प्रोड्यूस होती है।
अ फोर्स अप्लाइड एट सच अ पॉइंट, इस तरह के किसी भी पॉइंट पर जब फोर्स अप्लाई की जाए इन द बॉडी, बॉडी में, डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, बॉडी बिल्कुल सीधी सीधी सामने की तरफ मूव करती जाएगी, इधर उधर टर्न नहीं करेगी, ठीक है। द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एफ, तो फोर्स जो एफ उस पर अप्लाई की गई है उसकी तरफ की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। अब समझते हैं एग्जाम्पल। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स ए और बी जो यहाँ पे हमें गिवन है, ब्लू कलर का ए और बी जो है वो रेड कलर का, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। एंड इट इज़ अ रिजिड बॉडी कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड, और दरमियान में से दोनों जो एक दूसरे के साथ बॉल्स मिली हुई हैं वो एक रॉड की मदद से मिली हुई हैं। अच्छा जी, लेट ओ बी द पॉइंट, अब जो ओ है वो एक ऐसा पॉइंट है एनी वेयर बिटवीन ए एंड बी, वो ए और बी के दरमियान में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। दैट द फोर्स इज़ अप्लाइड, जिस पर जो है हम फोर्स को एफ को अप्लाई करेंगे पॉइंट ओ पर, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। इफ़ द सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ विदाउट रोटेशन, और अगर उस पॉइंट पर जो हमारा सिस्टम है वो विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेट प्रोड्यूस किए हुए मूव होगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। अब यहाँ पर ये गिवन है, सबसे पहले वाली फिगर में आप देखें कि उसने ये दिखाया है कि ओ पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर जो है, ओ पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर फोर्स लगाई जा रही है और सिस्टम जो है बिल्कुल सीधा सीधा मूव कर रहा है क्योंकि फ़ोर्स बिल्कुल ओ पॉइंट के ऊपर लगाई जा रही है। सेकंड फिगर में यहाँ पे ये हुआ कि जो फोर्स थी वो ओ पॉइंट से हट के ऊपर लगाई जा रही है, ओ पॉइंट ये है, फोर्स ओ पॉइंट पर नहीं लगाई जा रही, थोड़ा सा ऊपर लगाई जा रही है। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये पोर्शन पीछे की तरफ, मतलब ये एक टर्न प्रोड्यूस हो रहा है दोनों साइड्स पर, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पर देखें हम लोग, अगेन यहाँ पे फिगर में ये शो हो रहा है कि ओ पॉइंट के ऊपर नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे करके फोर्स लगाई जा रही है, जिसकी वजह से जो है ये सिस्टम ये आगे की तरफ मूव हो रहा है और ये थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव हो रहा है। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी का जहाँ पे अगर फोर्स लगाई जाए तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करेगी, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप इसको काइंडली विद डायग्राम सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरह समझते हैं, ये जो फिगर है इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत से ब्लैक एरोज और एक हमें रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है। क्योंकि कोई भी बॉडी है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल्स जो है वो जो है उनका कोई ना कोई सेंटर होता है। अब बॉडी का वेट तो एक ही होता है ना, जिस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है और ज़मीन की तरफ उसको खींच रही होती है, कोई एक पॉइंट ही होता है ना उसका जिसे हम वेट कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ पॉइंट वेयर द इंटायर वेट इज़ एज्यूम टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ द बॉडी होता है वो बॉडी का कोई भी एक पॉइंट होता है जो नीचे की तरफ टूवर्ड्स दी अर्थ जो है जो डायरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और बिल्कुल नीचे की तरफ। अब ये जो हमारा बॉडी है यहाँ पर, इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और ये तमाम पार्टिकल्स जो है उनका सबका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही पॉइंट है जिसकी डायरेक्शन ज़मीन की तरफ है, और वो जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है उस पॉइंट पे जो है वो बॉडी का इंटायर वेट उस पॉइंट पर कंसर्न्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस तरह डिफाइन किया गया है, अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, जहाँ पर बॉडी का तमाम वेट अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, किस तरफ को, वर्टिकली बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, इस कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं एक बॉडी का। ऊपर देखें, ऊपर वाले पैराग्राफ में, अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक बॉडी जो है वो बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थ इन तमाम पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रही होती है टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर की तरफ।
द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेट. वो जो अर्थ की पुल है, अर्थ की अट्रैक्शन है पार्टिकल की तरफ, उस वो वेट के बराबर होती है. दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल. ये तमाम जो फोर्सेज पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, ये सारी फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. जैसे आप ये देख रहे हैं कि सारी नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ एक्ट कर रही हैं, और ये ब्लैक कलर के जितने भी एरोज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेस इज़ अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. अब इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, ये सारी ब्लैक फोर्सेस का रिजल्टेंट सिर्फ एक, ये वाली रेड कलर में जो नज़र आ रही है ये फोर्स है, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर जो है वो वेट ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा होता है, और इसी पॉइंट पर जो है वो ग्रेविटी एक्ट करती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. अब पॉइंट, एक पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट वर्टिकली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बिल्कुल सीधी ज़मीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. यहाँ पर अब नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का तरीका बताया गया है, ऑफ इरेगुलर शेप बॉडीज़ एंड रेगुलर शेप बॉडीज़ एंड ऑल. सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड किया जाता है. अगर हमारे पास एक बॉडी स्क्वायर शेप में है तो उसके कोनों को इस तरह से हम मिलाएंगे, इस कोने को इसके साथ और इस कोने को इसके साथ, और जहाँ पर ये डायगनल्स आपस में मैच करेंगी ये उस स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. उसके बाद सर्कल की बात आती है. सर्कल को हम बिल्कुल स्ट्रेट यूँ इसके दो अदद सेंटर्स में से गुजारते हैं, इसके स्ट्रेट डायमीटर्स को, और जहाँ पे ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं वहाँ पे हमारे पास यहाँ पर जी बन जाती है. उसके बाद अगला देखते हैं रेक्टेंगल को. रेक्टेंगल के भी ओपोजिट कोने आपस में हम मिलाएंगे, यहाँ से ये और यहाँ से ये, और जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा. अब यहाँ पर आ गई एक ट्राइंगल. ट्राइंगल को हम लोग किस तरह से करते हैं, इसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाले कोने से नीचे तक एक लाइन बनाते हैं, इस वाले कोने को यहाँ तक मिलाएंगे और इस वाले कोने को यहाँ तक, और जहाँ पे ये तीनों आपस में मैच करती हैं वहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है. इसी तरह से नीचे भी एक अगेन हमारे पास जो है वो दायरा ही है, उसको भी हम वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे जैसे ऊपर वाले में किया हुआ था. ये तो हो गया हमारी रेगुलर शेप बॉडीज़. और ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह फाइंड करते हैं, इसके ऊपर वाले जो सर्कल्स हैं उनको वैसे ही आपने आपस में मिलाना है इनको, और फिर ऊपर से नीचे आपस में मैच कर रहे हैं, और इसके बिल्कुल सेंटर में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है. अब बात करते हैं इररेगुलर शेप कोई बॉडी हो तो उसका हम लोग किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं. ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर शेप बॉडी. अब इररेगुलर शेप बॉडी यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये एक काइट की शेप है जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ठीक है, तो ये एक इररेगुलर शेप बॉडी है. अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाता है. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करें. सबसे पहले हम लोग ये वाला पैराग्राफ समझ लेते हैं. इस पैराग्राफ में उसने लिखा है अ सिंपल मेथड, एक बिल्कुल सादा तरीका टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का ऑफ अ बॉडी, किसी एक बॉडी का, इज़ बाय द यूज़ ऑफ अ प्लम्ब लाइन. प्लम्ब लाइन को इस्तेमाल करते हुए है. अब प्लम्ब लाइन क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है. अ प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब. एक प्लम्ब लाइन के पास एक छोटा सा मेटल का बॉब होता है. बॉब जो होता है वो लेड का भी बना होता है और ब्रास का भी बना सकता है, मेटालिक बॉब होता है, सपोर्टेड, जो कि सपोर्ट किया जाता है बाय अ स्ट्रिंग. उसको हम लोग धागे या रस्सी के कोने से बांध देते हैं. व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड, जब हम लोग इस बॉब को बिल्कुल सीधा लटका देते हैं फ्रीली किसी फोर्स के बगैर ऊपर से नीचे तक बाय द स्ट्रिंग रस्सी से, इट रेस्ट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन. तो ये बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधा
रेस्ट करता है, यानी लटक जाता है हिले जुले बगैर, बिल्कुल स्ट्रेट वो जो है वो लटक जाता है ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट की वजह से एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ बॉब इज एग्जैक्टली बिलो दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस केस में जब इसे ऊपर से नीचे स्ट्रेट लटका दिया जाता है, तो इसको जहाँ से लटकाया जाता है उसके एग्जैक्टली नीचे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब आम दिनों की आपको एग्जाम्पल बताऊँ, अक्सर आपने दीवारों की कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी हो, अगर किसी का घर बन रहा हो तो जब दीवार को खड़ा किया जाता है तो एक आप देख सकते होंगे एक लंबे से धागे के साथ यूं करके एक मेटल का बॉब लटका दिया जाता है दीवार के बिल्कुल ऊपर। इससे पता क्या चलता है कि दीवार हमारी सीधी खड़ी हुई है या नहीं। तो बेसिकली ये जो मेटल का बॉब होता है ये काफ़ी हैवी होता है, जिसकी वजह से ये जो धागा है ये एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट टेंशन के साथ नीचे की तरफ जो है वो सीधा खड़ा हो जाता है, जिसे हम प्लम्ब लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर जब इरेगुलर शेप बॉडी हम लोग फाइंड करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इरेगुलर शेप जब बॉडी को हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया, तो ये पॉइंट ए पे हम लोगों ने प्लम्ब लाइन लटका दी थी यूँ इसको स्ट्रेट मार्क करने के लिए। तो ये हमारे पास प्लम्ब लाइन लटकी हुई है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और जहाँ पे ये मीट करेंगे ये होगा हमारा जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसका तो आप डिफ़ाइन करेंगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और उसके बाद ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इरेगुलर शेप बॉडी का ये आप फाइंड कर लेंगे। टेक अ इरेगुलर शेप पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का ऐसा पीस लें जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो। मेक होल्स ए बी एंड सी, उसमें ए बी और सी पॉइंट पर सुराख कर दें जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया। नियर इट्स एज, इसके कोने के करीब। फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, दीवार पर एक कील लगा दें। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल, कील के ऊपर इस कार्डबोर्ड को लटका दें। थ्रू वन ऑफ द होल्स, किसी भी एक होल में से गुजार कर। सो दैट, ताकि द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली, कार्डबोर्ड बहुत आसानी से स्विंग कर सके, मूव कर सके। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट, कार्डबोर्ड जो है वो उस वक्त रेस्ट में आ जाएगा। विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल, जहाँ पर से इसको लटकाएंगे उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसे कि यहाँ पर इसको ए पॉइंट पर लटकाया गया, तो ये बात तो हमें कन्फर्म है कि ए पॉइंट के ही कहीं नीचे नीचे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए, ए जहाँ से इसको लटकाया गया है वहाँ से एक बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। कैन बी लोकेटेड, और इसको की लाइन किस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं, यूजिंग अ प्लम्ब लाइन हंग फ्रॉम द नेल, बिल्कुल ए जहाँ पे लटकाया है वहीं पे उसके साथ ही एक प्लम्ब लाइन भी लटका देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ए से बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी किस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर हम वो लाइन लगा देंगे। बिहाइंड द प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन के पीछे। रिपीट इट बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम द बी, फिर ए से हम लोग उतार के बी वाले सुराख में कार्डबोर्ड को लटका देंगे, और इसी तरह से ये प्रोसीजर एक्सप्लेन कर अगेन एंड अगेन जो है हम लोग दोहराएंगे। फिर क्या होगा कि द लाइन फ्रॉम द बी विल इंसर्ट एट अ पॉइंट जी, जो जी पॉइंट होगा वहाँ पर से बी वाली लाइन जो है वो ए वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली इसी तरह से ड्रा एन अदर लाइन फ्रॉम द होल सी, सी वाले होल से भी हम लोग एक और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। नोट क्या करना है दैट दिस लाइन आल्सो पासिस थ्रू द जी, कि अब ये जिस पॉइंट पर ए और बी वाली लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, सी वाली लाइन भी उसी पॉइंट में से गुजरेगी। जब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से गुजरेंगी तो वो जो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइंस का, उसको हम लोग जी कहेंगे।
अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इस ए पॉइंट के साथ कील लटका दिया और उसके साथ प्लम लाइन लटका दी और एक लाइन उसके पीछे ड्रॉ कर ली, फिर उसको उतारा हमने। और फिर हमने क्या किया, इसको उतार लेने के बाद बी पॉइंट जो था उसको उधर से हमने लटका दिया इसको कील पर, और वहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और फिर सी पॉइंट के साथ भी हमने यही किया। जब ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मैच हो गई, तो जिस पॉइंट पे ये लाइंस मैच होंगी यानी इंटरसेक्ट करेंगी, उसको हमने कह दिया कि ये जी था, विच वॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।